नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी जानकारी है, इनेलो सुप्रीमो का जेजीपी पर तीखा वार। इनेलो पार्टी के गद्दार हैं, ओपी चौटाला ने यह बात कही, और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं, ओपी चौटाला ने यह बात कही। सत्ता पाने के लिए देवीलाल के नाम का इस्तेमाल किया और सत्ता मिलते ही इनका चेहरा लोगों के सामने आ गया। जेजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची है। भगदड़ को रोकने के लिए भ्रमित किया जा रहा है। मैंने कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, यह बात ओपी चौटाला ने कही है। इनेलो में अनुशासनहीनता को कभी बर्दाश्त नहीं किया गया। तो पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ने जेजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए यह कहा कि इनेलो पार्टी के गद्दार हैं, गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। झूठ की बुनियाद पर बनी जेजेपी पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है। उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मची हुई है और जो भ्रमित होकर जेजेपी में चले गए थे वो घर वापसी में लगे हैं। इनेलो सुप्रीमो ने यह भी कहा कि मैंने कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया, मैंने कभी व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में अपने सिद्धांतों और अनुशासन के साथ समझौता नहीं किया है। जिन्होंने इनेलो पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात ओपी चौटाला की तरफ से कही गई। तो बड़ा हमला बोला है ओपी चौटाला ने जेजेपी के ऊपर। सत्ता मिलते ही इनका चेहरा लोगों के सामने आ गया, ये बात उन्होंने कही। सत्ता पाने के लिए देवीलाल के नाम का इस्तेमाल किया गया और सत्ता मिलते ही इनका चेहरा लोगों के सामने आ गया, ये बात ओपी चौटाला ने कही। तो इनेलो सुप्रीमो है ओपी चौटाला, जिन्होंने बड़ा हमला बोला है जेजेपी के ऊपर और अब जेजेपी में भगदड़ मची हुई है, ये बात भी ओपी चौटाला की तरफ से कही गई है। इनेलो पार्टी के ये गद्दार हैं, ये बात भी ओपी चौटाला ने कही है। तो एक बड़ा हमला बोला है ओपी चौटाला ने। बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की तरफ से ये तीखा हमला बोला गया है और कई बड़ी बातें इनेलो सुप्रीमो ने कही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है जेजेपी को कि ये गद्दार हैं इनेलो पार्टी के और गद्दारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ओपी चौटाला ने ये बात कही। देवीलाल के नाम का इस्तेमाल किया गया है सत्ता पाने के लिए, ये बात भी ओपी चौटाला ने कही। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता मिलते ही इनका चेहरा लोगों के सामने आ गया। ओपी चौटाला ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है और ये कहते हुए उन्होंने जेजेपी पर तीखा हमला बोला है।